ब्रिटेन में गरमाया आर्थिक संकट, 90% पेट्रोल पंप पड़ चुके हैं ठप। सरकार की मिसमैनेजमेंट से जूझ रहा पूरा देश, अर्थव्यवस्था चरमराई, लोग घरों में बंद रहने को मजबूर। दोस्तों, यूरोप का देश ब्रिटेन इस समय बहुत बड़ी संकट का सामना कर रहा है। उस पर ऐसा काल मंडरा रहा है जिसका हल क्या है उसे सूझ नहीं रहा। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। भूत में जैसा आप करते हैं, भविष्य आपका उसी फल के साथ इंतजार कर रहा होता है। और इस मुहावरे का अर्थ वर्तमान समय में यूके से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसमें कई तरह की सीख छुपी हुई है, कई तरह के सवाल छुपे हुए हैं और उन सवालों के समाधान भी छिपे हैं, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, यूके में अभी 90% पेट्रोल पंपों पर ताले लटक रहे हैं। दिन प्रतिदिन इनके ज्यादातर पेट्रोल पंपों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो 10% पेट्रोल पंप हैं, उन पर ही 6,80,00,000 लोगों की जिंदगियां निर्भर कर रही है। इसका असर ये हुआ है दोस्तों कि धीरे धीरे पूरा देश ही धीमा पड़ने लगा है। कामकाज ठप हो गए हैं, लोगों को मजबूरन बस घरों में बैठना पड़ रहा है। ऐसी आपदा आ गई है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, इस कोरोना काल के समय में इस तरह का संकट यूके के नागरिकों पर बॉम्ब की तरह बरसा है। अस्पतालों में मरीजों को ले जाने वाला एम्बुलेंस बिना पेट्रोल के खड़ा है। वहां के वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्स घरों से अस्पताल जाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। बिना पेट्रोल के, बिना ईंधन के ब्रिटेन में त्राहिमाम मच गया है दोस्तों। इसके अलावा जो आम जनजीवन है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। दुकानों पर गाड़ियों से खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। जो जरूरत की चीजें हैं, लोग उसे नहीं खरीद पा रहे हैं और ये काफी गंभीर और डरा देने वाली स्थिति बन गई है दोस्तों। चलिए अब जरा हम आपको बता दें कि आखिर इस विकट परिस्थिति में वहां का जनजीवन चल कैसे रहा है। तो दोस्तों, जिस किसी को भी पेट्रोल या ईंधन मिल जा रहा है, वो उसे जमा कर ले रहे हैं, इसका इस्तेमाल कर खाने पीने का सामान लाकर स्टॉक में रख रहे हैं और अपने अपने घरों में बैठे हैं। क्या करें, उनके पास सरकार ने और कोई चारा भी नहीं बचा रखा है। लोग ये जानते हैं कि ये क्राइसिस काफी समय तक चलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये संकट ब्रिटेन में अचानक से आई कैसे? कैसे वहां के 90% पेट्रोल पंप ठप पड़ गए, कैसे गाड़ियों का आना जाना बंद हो गया और कैसे सरकार ने इस तरह की स्थिति आने दी? देश में क्या चल रहा है, क्या इस बारे में सरकार पहले से अलर्ट नहीं थी? इस तरह के आर्थिक संकट से आज जो पूरा देश जूझ रहा है, उसकी सरकार को क्या भनक नहीं थी? तो दोस्तों, आपको हम बता दें कि इसके पीछे बहुत बड़ा और गहरा कारण है। आपको बता दें कि यूके की सरकार ने बहुत बड़ा बवंडर किया है। हाल ही में खबरें आ रही थी कि ब्रिटेन की एम्बुलेंस गाड़ियां कारों से टकरा रही हैं और कारण था 10% बची पेट्रोल पंपों पर घमासान ट्रैफिक होना। दोस्तों, यूके की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि वहां की सरकार ने अपनी आर्मी को स्टैंड बाय में रखा है ताकि जनता अगर आने वाले समय में सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे तो उन्हें संभाला जाए। अब आप ही सोचिए, इस सरकार के पास जनता को संभालने का तोड़ है, लेकिन इस तरह की आर्थिक संकट को सुलझा पाने में असमर्थ हो रही है। दोस्तों, वहां की स्थिति बहुत खराब है। चलिए अब आपको हम इतने बड़े संकट का कारण बताते हैं। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्यों। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है ब्रेक्सिट से। दोस्तों, यूके ने खुद को यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्सिट से अलग कर लिया था। इसके बाद ब्रिटेन सैंगेन एरिया से भी अलग हो गया। एक के बाद एक ऐसे फैसले ने आज यूके को इस स्थिति में पहुंचाया है। अब ये सैंगेन एरिया है क्या? दोस्तों, इन सब की जड़ यही तो है। यूके के सैंगेन एरिया से हटने के कदम ने आज उसे इतनी बड़ी मुसीबत में डाला है। सैंगेन एरिया एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है जिसके अंदर वीजा फ्री यात्राएं होती हैं। अगर आप सैंगेन एरिया के ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट को देखेंगे तो आप वहां देख पाएंगे कि वहां उन्होंने लिखा है कि वो यूरोप के अंदर देशों के इंटरनल बॉर्डर्स को खत्म करते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी देश सैंगेन एरिया में आते हैं, वहां के नागरिक वहां आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं, उस एरिया में पड़ रहे देशों में जाकर कामकाज कर सकते हैं। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि सैंगेन एरिया से पूरा यूरोपियन यूनियन एक ही देश हो गया है। अब हम आपको यूके की करतूत बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब यूके ने खुद को यहाँ से निकाला तो एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ। सवाल ये उठा कि यूके में काम करने वाले वर्कर्स अब कहाँ से लाए जाएंगे। खास करके ट्रक ड्राइवर्स को लेकर चिंता बन गई। चूंकि ब्रिटेन ने सैंगेन एरिया से खुद को विथड्रॉल कर लिया था, इसका मतलब तो यही था कि अब यूरोप के किसी भी देश से कोई भी वर्कर वहां आसानी से नहीं रह सकता था, क्योंकि अब उनके लिए वीजा बहुत महंगा पड़ रहा था।
अब वर्कर्स की कमी होने लगी, कंपनियों में काम धीमा पड़ गया और ये कंपनियां सरकार के पास इस समस्या को लेकर पहुंची। दोस्तों आपको हम बता दें कि 30 अगस्त से ही कंपनियों ने सरकार को चिट्ठियां लिखना चालू कर दिया था, यहां तक कि उन्होंने सरकार को आने वाली संकट को लेकर भी आगाह किया। जी हां दोस्तों, वही संकट जो आज पूरी ब्रिटेन की जनता झेल रही है। दोस्तों बता दें कि सरकार ने इस ओर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया, इसके पीछे राजनीति एकमात्र कारण है। दोस्तों वहां की सरकार अपने लिए कदम को वापस नहीं लाना चाहती। सरकार ऐसी जिद्दी हो गई है कि वो यूरोपियन यूनियन के लोगों को वीजा ईज पॉलिसी के तहत 2 सालों के लिए भी काम को लेकर नहीं बुलाना चाहती। इसके फलस्वरूप अब यहाँ की सरकार को कुछ न कुछ तो करना ही था। उन्होंने सोचा कि क्यों न वर्कर्स को अपने ही देश में लाया जाए, खास करके ट्रक ड्राइवर्स की कमी जान पर बनाई। लेकिन आप स्वयं ही सोचिए, इतने कम समय में कितना मुश्किल हो सकता है नए लोगों को ट्रेन करना, और यही मुश्किल आज यूके फेस कर रहा है। और चूंकि अभी पैंडेमिक भी है, जो इन वर्कर्स ट्रक ड्राइवर्स को ट्रेन करने वाले लोग हैं या तो वो बीमार हैं या क्वारंटीन में हैं। दोस्तों जानकारी के मुताबिक अभी यूके में 1 लाख ट्रक ड्राइवर्स की कमी है। अब यूके को उसके करनी का पता लग रहा है। हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ब्रिटेन की सरकार के पास इसका कोई समाधान नहीं है? तो हाँ, समाधान तो है, लेकिन उसका रास्ता काफी मुश्किल है। अब वहां की सरकार ने यह तय किया है कि वो टेम्पोररी वीजा स्कीम बस ट्रक ड्राइवर्स के लिए ही निकालेंगे, ताकि वो वहां पर आकर काम कर सकें और जो कंपनियां हैं जो इस तरह की समस्या झेल रही है उन्हें कुछ राहत मिले। इसके साथ ही पेट्रोल पंप के जो हालात हो गए हैं उन्हें वर्कर्स के आने से दोबारा चालू किया जाए। लेकिन दोस्तों इसमें भी एक इशू है, जिन ड्राइवर्स को यूके की सरकार ने भगा दिया था अब वो यूरोप के दूसरे देशों में अच्छा काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही कई ऐसे वर्कर्स हैं जो अब वापस यूके आना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके साथ ब्रिटेन में रंग भेद की घटनाएं पास्ट में हो चुकी हैं और उनके मन में इस चीज को लेकर काफी खटास है। तो दोस्तों यूके जो है वो बहुत बुरा फंसा है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि अगर किसी देश की सरकार से कोई मिसमैनेजमेंट हो जाए तो किस तरीके से पूरा देश सफर करता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और धमाकेदार खबर के साथ।